कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। राजीव कैसा है? अच्छा है। अर्जुन भैया कैसे हैं? बहुत अच्छा। दिल लग गया तुम्हारा परदेश में? मालूम नहीं, सब कुछ है, कुछ भी नहीं। हाँ, 1000 VIPs को बुलाया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। शहर के सारे 5-स्टार होटल बुक कर दो। गोरे भी क्या याद रखेंगे कि किशोरी लाल ने अपने बेटे की शादी की थी। क्या ये कागज वागज? नैंसी, कभी साहब के कमरे की सफाई नहीं करते क्या? साहब अपने कमरे में किसी को आने ही नहीं देते। कितनी गंदी गंदी मैगजीन्स रखी हैं। जी 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 जी। क्या देख रही हो आंटी? ये क्या है? ओ वो तो राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड केली है। केली राजीव से मोहब्बत करती थी और राजीव उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन राजीव ने तो कभी बताया नहीं। ये भी कोई बताने वाली बात होती है? अरे गर्लफ्रेंड्स का आना जाना तो अमीरों की शान होती है। तुम खुद को खुशनसीब समझो कि राजीव केली को नहीं तुम्हें मिला है। 550 मिलियन डॉलर्स के मालिक किशोरी लाल की बहू तुम बनोगी, केली नहीं। डोंट क्राई, देयर इज नो पॉइंट इन टीयर्स। अरे गुड़िया, ये अमेरिका है, राजीव एक अमेरिकन है और तुम्हें एक अमेरिकन के साथ ही रहना पड़ेगा। राजीव, ये केली तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। तुम उससे बहुत प्यार करते थे? हाँ। शादी भी करना चाहते थे? हाँ। तुम्हारे और केली के, मेरा मतलब है तुम्हारे बीच शारीरिक संबंध भी थे? गंगा, अमेरिका में गर्लफ्रेंड से ऐसे संबंध हो जाते हैं, होते हैं। इसमें इतना परेशान होने की, इतना तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत है? केली मेरा कल थी और तुम आज, सो रिलैक्स, ओके? हेलो, हे केली, इट्स केली। केली यू वोंट बिलीव, अभी हम लोग तुम्हारी बात कर रहे थे। सच? ऑस्ट्रेलिया जा रही हो आज रात को? मिलना है तो ऑफिस आ जाओ, हम लोग वहां से साथ में चलते हैं डिनर पे, ओके? या बाय। केली मेरे प्यार में हिंदी बोलना भी सीख गई। गंगा मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना केली को खराब लगेगा। मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए तुम खाना खा लेना, ओके? बाय बाय स्वीट हार्ट, टाटा। गंगा मैं तुम्हारे लिए भू, ओके, आई एम सॉरी, मेरी एंट्री शायद गलत वक्त पर हो गई, मैं बाद में। ठहरो। सब गलत हुआ, सब गलत, और इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। सब झूठ बोला ना तुमने, राजीव ऐसा है, राजीव वैसा है, ऐसा है तुम्हारा राजीव, ऐसा। देखो गंगा, अब ये छोटी छोटी बातें, ये सब तो तुम्हें एडजस्ट करना सीखना ही होगा। छोटी बात? ये छोटी बात है? छोटी बात है ये छोटी बात है? देखो, मुझे सोने का महल नहीं चाहिए, एक इंसान का प्यार चाहिए, एक इंसान का, समझे तुम? छोटी बात है। लेकिन गंगा, सभी तो प्यार करते हैं ना तुमसे। कोई नहीं करता, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर किस किस्म का प्यार चाहिए तुमको? किस तरह का प्यार चाहिए तुमको? खुद से पूछो, जैसा तुम करते हो दूसरों से, ऐसा प्यार चाहिए हमें। आप सबने मुझे एक भोली भाली तस्वीर समझकर एक सोने के फ्रेम में जकड़ रखा है,
और चाहते हैं कि मैं चुपचाप उस दीवार पे टंगी रहूं और इस झूठी सजावट का एक हिस्सा बन जाऊं। गंगा इस सपने के साथ तो परदेश नहीं आई थी ना अर्जुन। देखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल खुद राजीव से बात करूंगा। लेकिन गंगा, तुमको भी जरा सबर से काम लेना होगा। मैं चलता हूं। अर्जुन, तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? राजीव, गंगा वैसी लड़की नहीं है। तो कैसी लड़की है गंगा? देखो राजीव, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये जो हिंदुस्तानी लड़कियां होती हैं ना, ये खास तौर से गांव की लड़कियां, ये इतना सारा कल्चरल शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर तुम्हें उसे बदलना ही है तो जरा आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, शादी के बाद। देखो अर्जुन, यू आर माई फ्रेंड, ओके? तुम मेरे दोस्त हो, गंगा मेरी बीवी। दोस्त दोस्त की जगह रहे और बीवी बीवी की। और आप हमारे आपसी मामले में दखल ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका दोस्त का रोल यहीं खत्म हुआ, ना मुझे अपना रोल करने दीजिए, ओके? मानो ना मानो दोस्त, तुम्हें प्यार हो गया है। बिल्कुल नहीं। हो गया है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं है। क्यों, हो गया ना? मैं उसके घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा और ना ही उससे मिलूंगा, समझ गया? चलिए ये भी देखते हैं। क्या वो कभी नहीं आएगा? Nope, never. मुझसे मिलने भी नहीं आएगा? No. अच्छा ठीक है, उसको कह दो, उसको मेरी कोई परवाह नहीं है ना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। You very well know he really cares for you. What cares, cares, cares? उसको मेरी थोड़ी सी परवाह होती ना तो मेरे फोन कॉल्स के जवाब नहीं देता वो। You know गंगा, today is his birthday. आज अर्जुन का बर्थडे है? And he doesn't want to meet anybody. किसी से नहीं मिलना चाहता वो? No. मुझसे भी नहीं? Not even me. उसको तो मैं दिखाती हूँ। हेलो, जी नहीं, अर्जुन साहब यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। ऑपरेटर, मेरे लिए कोई फोन आए तो कह देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। थैंक यू। तो क्या करूं मैं उसका बर्थडे है तो? उसने मुझे तो नहीं बुलाया ना पार्टी में? उसने तो किसी को भी नहीं बुलाया, वो अकेला है, उदास है, वो हम सबसे नाराज है। तो क्या करूं मैं गंगा? देखो, अमेरिका में जो अकेला रहना चाहता है उसे हम अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन हम इंडिया में तो अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि ऐसे में तो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर हम अंदर घुस जाते हैं उसको विश करने के लिए। गंगा, ये इंडिया नहीं, अमेरिका है। लेकिन अर्जुन तुम्हारा दोस्त है ना, तुम भूल गए उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मेरे लिए नहीं, डैडी के लिए। डैडी को इंप्रेस करके एक म्यूजिक कंपनी खोलना चाहता है वो। खैर, मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं की? देखो गंगा, तुम्हें जाना है तो तुम पॉल के साथ जा सकती हो। बाय। और हाँ,
घर से कोई पुराना गिफ्ट ले जाना उसके लिए, ओके? अब तो तुम समझ गई ना कि राजीव क्या चाहता है। एक मिनट, अर्जुन से बात करो। हाँ राजीव। हाँ राजीव। हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, आई एम सो सॉरी नहीं आ सका यार। हमारी गंगा को तो आप वापस भेज दीजिए सरकार। हाँ, गंगा और पॉल सब वापस आ रहे हैं अभी। हेलो, सुनो, कल, हाँ कल शेरिफ के बेटे के ऑनर पे एक पार्टी रखी है मैंने डॉकयार्ड पर, और तुम्हें वहाँ आना है। नहीं राजीव, मैं कल नहीं आ सकूँगा। आ जाना भाई। वो क्या है कि कल की पार्टी में एक उल्लू का पट्टा म्यूजिशियन भाग है, तो उसकी जगह तू अपना गिटार लेकर आना और यार कोने में बैठकर बजाते रहना। टंग टंग टंग, यू आर कमिंग, ओके, यू आर कमिंग। Hey, can I dance with her? Sure, thank why you. Not? Hey, how's life happening, huh? Yo, good music, good music. Can I have it? Can I have it back, please? Please. Please. Can I have it back? Hey, Arjun, नहीं। Arjun, come on, Arjun, leave it, Arjun. Come on, Arjun, leave him. Come on, cool down. Let's go. Hey, relax. क्यों मारा तुमने उसे? वो गंगा की चुन्नी उतार रहा था। तो इसमें उसकी बेइज्जती है ना। गंगा की इज्जत का ख्याल तुम्हें रखना है मुझे, हाँ? किसकी होने वाली बीवी है वो? मेरी या तुम्हारी? Who's the husband, me or you? राजीव, it's my job to protect her, not yours, okay? नहीं, तुम छोटे आदमी को बड़ी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। ठीक कहती थी नीता आंटी। Now just get lost, all right? जाओ, get lost, leave us alone, okay? तूफान कभी चेतावनी देकर नहीं आता है भाई साहब, सिर्फ आता है और सबको तबाह करके चला जाता है। कहना क्या चाहती हो तुम? आग और मोम का रिश्ता बड़ा टेढ़ा होता है। हमें ये पता रहता है कि वो रोशनी दे रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता रहता है कि आहिस्ता आहिस्ता आग के नीचे मोम पिघलती जाती है। साफ साफ कहो, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन ये, अर्जुन और गंगा की नजदीकी राजीव को बस आज कह दिया है, आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। बाकी क्या करना है ये तो मुझ पर छोड़ दो।